रहीम, अस्सलाम वालेकुम फोर क्लास, हाउ इज़ यू डूइंग टुडे? आई होप यू हैव लर्न द प्रीवियस टॉपिक. प्लीज़ कम ऑन पेज नंबर 21. वी विल स्टार्ट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंप्यूटर. हम देखेंगे कंप्यूटर के अंदर क्या खसूसियात होती हैं. अ कंप्यूटर हैज़ सर्टेन करेक्टरिस्टिक्स दैट मेड इट डिफरेंट फ्राम अदर मशीन्स. इसमें कुछ ऐसी खसूसियात होती हैं जो इसे दूसरी मशीन से मुख्तलिफ करती हैं. दे आर वो हैं स्पीड. सबसे पहले है स्पीड. अ कंप्यूटर कैन परफॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ कैलकुलेशन इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड. के वक्त के सेकंड के कुछ हिस्सों में वो क्या कर सकता है कि लार्ज नंबर ऑफ कैलकुलेशन जो है वो परफॉर्म कर सकता है. बहुत ज़्यादा बड़ी कैलकुलेशन जो है वो आराम से कर लेता है. उसके बाद आ जाती है एक्यूरेसी. अ कंप्यूटर ऑलवेज गिव करेक्ट रिजल्ट. मतलब इसमें आपके पास कोई चांस नहीं होता कि कोई फॉल्ट आएगा या कोई इनकरेक्ट रिजल्ट आ जाएगा, बल्कि वो हमेशा एक्यूरेट रिजल्ट आपको देगा. इफ़ डेटा इज़ गिवन एज इनपुट टू द कंप्यूटर इज़ करेक्ट, इट प्रोड्यूस एक्यूरेट रिजल्ट. अगर आपने जो डेटा उसको इनपुट के तौर पर दिया है वो करेक्ट था तो इसका रिजल्ट भी करेक्ट ही होगा. उसके बाद डेलीजेंस है. अ कंप्यूटर डज नॉट गेट टायर्ड. कंप्यूटर कभी थकता नहीं. इट कैन कीप वर्किंग फॉर लॉन्ग आवर्स. ये कई घंटों तक काम कर सकता है एंड कैन डू द सेम वर्क अगेन एंड अगेन विद द सेम एक्यूरेसी एंड स्पीड. और वो एक ही काम को बार बार कर सकता है एक ही जैसी स्पीड से और एक ही जैसी एक्यूरेसी से. यानी ना तो उसकी काबिलियत में कुछ किस्म का कोई फ़र्क आता है ना उसकी स्पीड कम होती है और ना वो इंसानों की तरह बोर हो जाता है किसी एक काम को बार बार करने से. उसके बाद है हाई स्टोरेज. द प्रेजेंट डे कंप्यूटर इज़ कैपेबल ऑफ स्टोरिंग लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा एंड प्रोग्राम्स फॉर फ्यूचर यूज़. अच्छा जी, आज का जो कंप्यूटर है वो क्या करता है, वो स्टोर कर सकता है बहुत ज़्यादा अमाउंट जो है डाटा की, और उसके अलावा प्रोग्राम्स को भी स्टोर रख सकता है बाद में इस्तेमाल के लिए. दिस डेटा कैन बी रिट्राइव्ड एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड. जब भी डेटा की ज़रूरत हो आप इसको दोबारा पा सकते हैं. उसके बाद है जी वर्सटैलिटी. दिस मॉडर्न कंप्यूटर कैन परफॉर्म अ वैरायटी ऑफ डिफरेंट टास्क. कहीं कई किस्म के काम कर सकता है. इट इज़ यूज्ड एट वेरियस प्लेसेस सच एज होम्स, हॉस्पिटल्स, बैंक्स, ऑफिसेज एंड स्कूल्स एंड कैन कैरी आउट डिफरेंट जॉब्स. अच्छा, ये मुख्तलिफ प्लेसेस पे आपको मिल जाएगा. घरों में भी होता है, अस्पतालों में भी होता है, बैंक्स में भी, ऑफिसेज में और स्कूल्स में भी, और हर जगह पे उसकी नेचर ऑफ जॉब जो है वो डिफरेंट होती है उस प्लेस के अकॉर्डिंग. उसके बाद है फास्टर कम्युनिकेशन. दिस हैज़ बिकम द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर्स. ये क्या है कि आप समझ लें कि बहुत अहम एडवांटेज, अहम फ़ायदा है कंप्यूटर्स का. यूजिंग कंप्यूटर्स वी कैन एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन थ्रू द इंटरनेट अक्रॉस द ग्लोब. यानी पूरी दुनिया में आप जो है कंप्यूटर्स को इस्तेमाल करते हुए इन्फॉर्मेशन को इंटरचेंज कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं, एक दूसरे से तब्दील कर सकते हैं. हाउएवर बीइंग एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन द कंप्यूटर आल्सो हैज़ सम लिमिटेशन. लेकिन क्योंकि जाहिर है वो एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है तो इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं, कुछ उसकी लिमिट्स हैं. वो क्या है? ज़ीरो IQ, यानी इंटेलिजेंस कॉन्टेंट जो है इसके अंदर क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल नहीं है. कंप्यूटर डज नॉट हैव एनी IQ ऑफ इट्स ऑन. इसका अपनी कोई इंटेलिजेंस नहीं है. इट वर्क्स ओनली विद इन द लिमिट्स ऑफ व्हाट इट हैज़ बीन इंस्ट्रक्टेड टू डू. इसकी सिर्फ इतनी ही लिमिट्स हैं जितने के लिए इसको इंस्ट्रक्ट कर लिया गया है. आपको पता होगा कि हमने अभी तक जो है वो फिफ्थ जनरेशन के बारे में पढ़ा था, तो उसमें सबसे ज़्यादा कोशिश ये की जा रही है कि वो जो है वो इंटेलिजेंस को यूज़ करें. उसके बाद है लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर. यानी इसमें ये पावर नहीं होती कि ये खुद से अपने डिसीजंस बना सके. कंप्यूटर इज़ नॉट कैपेबल ऑफ मेकिंग एनी डिसीजन ऑन इट्स ओन. अपने कोई ये डिसीजन नहीं ले सकता. व्हेन एन अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन अराइजेज इट गिव्स इनकरेक्ट रिजल्ट्स और रिजेक्ट्स द जॉब ऑलटुगेदर. अब क्या होगा कि एक अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन, यानी एक ऐसी सिचुएशन आ जाए जिसके लिए कंप्यूटर को प्रीपेयर या प्रोग्राम नहीं किया गया, तो वो क्या करेगा? या तो रिजल्ट ठीक नहीं देगा और या फिर उस जॉब को ही रिजेक्ट कर देगा. उसके बाद आ गया जी लैक ऑफ एबिलिटी टू लर्न फ्रॉम पास्ट मिस्टेक्स. अच्छा जी, यानी इसमें एबिलिटी नहीं है कि ये अपनी पुरानी गलतियों से सीख सके. जैसे कि आप समझ सकते हैं कि ह्यूमंस में ये एबिलिटी होती है, वो ये गलती से सीख चुके होते हैं कि ये जो काम था ये गलत था, इसको इस तरीके से नहीं किया जाना चाहिए. लेकिन आप इसको अगर एक ऐसी जॉब जो इसकी प्रोग्रामिंग में नहीं है वो जितनी दफ़ा भी देंगे वो उसको उसी तरह से परफॉर्म करेगा जैसे उसने वेरी फर्स्ट टाइम उसको लिया था. अ कंप्यूटर डज नॉट हैव द एबिलिटी टू लर्न फ्रॉम द पास्ट मिस्टेक्स. इसमें काबिलियत नहीं होती कि ये पास्ट मिस्टेक से सीख सके. लिमिटेशंस जो है ये आपके क्वेश्चन में भी यूज़ हो रही है, उसका आंसर भी है, तो उस क्वेश्चन आंसर्स को भी अच्छे तरीके से याद किएगा. वो क्वेश्चन आंसर्स आपको एज अ नोट्स प्रोवाइड कर दिए गए हुए हैं. आई होप कि आपने जून के नोट्स ले लिए होंगे. उसके बाद है वेयरेबल टेक्नोलॉजी. वेयरेबल से मुराद होती है जिस चीज़ को आप पहन सकें, तो ऐसी टेक्नोलॉजी जो पहनी जाए. वेयरेबल गैजेट्स आर द लेटेस्ट डिवाइस इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी. टेक्नोलॉजी की फील्ड में ये लेटेस्ट डिवाइस हैं.
मोस्ट ऑफ वेरेबल गैजेट्स अवेलेबल दिस डेज आर वॉर्न ऑन द रिस्ट. बहुत सी जो आजकल अवेलेबल हैं वेरेबल गैजेट्स, उसमें से कुछ जो ऐसी हैं जो आप कलाई पे भी बांध सकते हैं, बट देर आर अदर दैन कैन बी हंग अराउंड द नेक. और कुछ ऐसी हैं जो कि आप गर्दन पे लटका सकते हैं और वॉर्न एज अ पीस ऑफ ज्वेलरी या फिर उसको ज्वेलरी के तौर पर पहन सकते हैं. सम ऑफ द मोस्ट पॉपुलर गैजेट इन दिस कैटेगरी आर, कुछ पॉपुलर मशहूर जो गैजेट्स हैं इस कैटेगरी में वो ये हैं जी. सबसे पहले आ रहा है फिटनेस ट्रैकर. फिटनेस ट्रैकर आर बैंड्स और वॉचेस दैट कीप अकाउंट ऑफ द नंबर ऑफ स्टेप्स यू कैन यू टेक ईच डे एंड द कैलोरीज यू बर्न. आपने देखा होगा अक्सर इस तरह का बैंड जो है वो लोगों ने पहना होता है हाथ पे. इसका काम क्या होता है, बेसिकली ये फिटनेस ट्रैकर होता है जो आपकी फिटनेस को ट्रैक कर रहा होता है, देख रहा होता है कि आप किस हद तक फिट हैं. ये काउंट करता है कि आपने कितने स्टेप्स जो है वो वॉक किया है और ये आपको गाइड करता है कि कितनी वॉक जो है वो आपके लिए ज़रूरी है और किस हद तक आपकी जो कैलोरीज हैं वो बर्न हुई हैं और आप जो है वो एक्टिव हुए हैं. सम में मॉनिटर पैरामीटर्स सच एज पल्स रेट एंड हार्ट रेट. कुछ में पैरामीटर्स भी होते हैं जो कि ये भी मॉनिटर करते हैं कि पल्स रेट क्या जा रहा है, हार्ट रेट क्या जा रहा है. ठीक है, इसकी एग्जाम्पल जो है वो फिटबिट है. उसके बाद आ गया स्मार्ट वॉचेस. ये भी आपने देखी होंगी, मे बी आपके आप में से बहुत से लोगों के पास ये हों भी. स्मार्ट वॉचेस कनेक्ट विद स्मार्टफोन्स एंड कीप यू अपडेटेड विद नोटिफिकेशन एंड मैसेजेस. आपको पता है अक्सर स्मार्ट वॉचेस में सिम कार्ड्स भी अलाउ होते हैं. उसके अलावा इनका जो बेसिक पर्पज़ होता है ये स्मार्टफोन के साथ अटैच कर दी जाती है और आपको जो भी नोटिफिकेशंस आ रहे होते हैं या मैसेजेस आ रहे होते हैं उसका अलार्म जो है वो आपको इस पे मिल जाता है. यू कैन मेक कॉल्स एंड मैसेजेस, रीड द न्यूज़ एंड लिसन टू म्यूज़िक. अच्छा, आपके पास इसमें फंक्शंस होते हैं, आप कॉल भी कर सकते हैं, मैसेजेस सेंड कर सकते हैं, न्यूज़ पढ़ सकते हैं और उसके अलावा म्यूज़िक भी सुन सकते हैं. दे मे आल्सो इंक्लूड फंक्शंस ऑफ फिटनेस ट्रैकर्स. इसमें फिटनेस ट्रैकर के फंक्शन भी मौजूद हो सकते हैं. इसकी जो एग्ज़ाम्पल है वो एप्पल वॉच है. इसके अलावा चाइना में भी बहुत सी ऐसी वॉचेस मौजूद हैं जो कि एज अ स्मार्ट वॉच इस्तेमाल होती हैं. उसके बाद आ गया जी हेड माउंटेड डिस्प्ले. अ हेड माउंटेड डिस्प्ले आल्सो नोन एज एन HMD हेड माउंटेड डिस्प्ले इज़ अ डिस्प्ले डिवाइस. ये कौन सी डिवाइस है, डिस्प्ले के लिए इस्तेमाल होती है. वोन ऑन द हेड एज अ पार्ट और एज पार्ट ऑफ अ हेलमेट. आपने देखा होगा ये जो है ये या तो सर पे पहनी जाती है या फिर ये हेलमेट के पार्ट के तौर पर इस्तेमाल होती है. एंड हैज़ अ स्मॉल डिस्प्ले एरिया और इसका डिस्प्ले एरिया भी थोड़ा छोटा होता है. HMDs आर यूज्ड इन वर्चुअल रियलिटी गेमिंग, एविएशन, द मिलिट्री, मेडिकल एंड इंजीनियरिंग एरियाज. अच्छा, वर्चुअल रियलिटी गेमिंग कौन सी होती हैं, अक्सर आपने देखा होगा. अभी आपने VR बॉक्स के बारे में भी सुना होगा. VR बॉक्स में भी क्या होता है कि आप जब उसके अंदर अपना मोबाइल या गैजेट जो है हैंग करके उसको अपने हेड पे पहन लेते हैं आइस के आगे, तो फिर आप सिर्फ उसी को देख सकते हो और आपको ऐसे लगता है जैसे आप उसी में मौजूद हैं. ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल थी वर्चुअल रियलिटी गेम की. तो ये भी जो हेड माउंटेड डिस्प्ले है ये भी उसी से रिलेटेड है. उसके बाद ये मिलिट्री में भी इस्तेमाल होता है, मेडिकल में ऑपरेशंस के लिए भी इस्तेमाल होता है और इंजीनियरिंग में भी इसका इस्तेमाल मौजूद है. अच्छा, इसकी जो एक एग्जांपल है वो गूगल ग्लास है. उसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मिलिट्री में उसका कैसे यूज़ किया जा रहा है और उसके अलावा ये गूगल ग्लास है जो कि एक आदमी ने पहना हुआ है. ठीक है जी, ओके, हमारा चैप्टर जो है वो यहाँ पे एंड हो चुका है. रीकैप जोन को आप खुद पढ़िए और देखिए कि अगर आपको इसमें कोई क्यूरी है तो हमें आस्क कीजिए, इंशाल्लाह आपको उसका आंसर किया जाएगा. प्लस आपका आज का टास्क है कि आपने असेसमेंट जोन पे आना है पेज नंबर 24 पे और लेड पेंसिल के साथ, कच्ची पेंसिल जिसको आप बोलते हैं, उसके साथ आपने ब्लैंक्स और चूज द करेक्ट ऑप्शन अपनी अकॉर्डेंस जो है उसको कर लेना है बगैर किसी बड़े की हेल्प लिए. ठीक है, और फिर उसका तरीकाकार ये होगा कि इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो इंशाल्लाह कल पोस्ट होगा उसमें आपको इसकी क्यूरी बता दी जाएगी और फिर आप उससे मैच कर लीजिएगा कि आप कहाँ तक एक्यूरेट थे. इससे आपको ये भी समझ आ जाएगी कि आपको किस किस्म की प्रॉब्लम्स जो है वो अभी भी मौजूद हैं. ठीक है जी, उसके अलावा जो आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह कवर करवा दिए गए हैं. फिर मैं कल आपको एक्टिविटी जोन और प्रोजेक्ट जोन के बारे में बता दूँगी. टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ. अल्लाह हाफिज़.